ਸੱਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਰੋ ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਸੀ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਵੀਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਚ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रप्रीत कौर और आप देख रहे हैं कियाटी न्यूज़। आज करवा चौथ है। करवा चौथ औरतों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। औरतें इस दिन सजती हैं, सवरती हैं अपने पति के लिए, व्रत रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। और इस करवा चौथ का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है करवा, जिसमें थालियाँ जो है एक्सचेंज करके जो है संगीत गाए जाते हैं। और बताया जाता है कि औरतों को इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से औरतें जो इस करवा चौथ में सजती हैं और क्या क्या करती हैं। सो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कैमरामैन को कि दिखाएं कि यहाँ की जो औरतें हैं, स्त्रियाँ, किस तरीके से सज धज के तैयार बैठी हैं, रेडी हैं कि किस तरीके से अपने पति को, पति की लंबी उम्र के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी उम्र जो है वो लंबी रहे। जो करवा चौथ की जो प्रथा है वो शुरू हो चुकी है, थालियां एक्सचेंज की जाएंगी और संगीत करवड़ा शुरू किया जाएगा। हिंदू धर्म में इस करवा चौथ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो इस में संगीत गाया जाता है वो सुनिए। चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना कटेरी ना, चूम चरकड़ा फेरी ना, वैर पापाई ना, सुतड़ा जगाई ना। अब वक्त आया है कि हम इन खूबसूरत स्त्रियों से कुछ जो है प्रश्न पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वार्तालाप करते हैं। चलिए, सो कितने साल हो गए आंटी आपको व्रत रखते? 32 इयर्स। मतलब कभी भूख प्यास फील नहीं होता? ना, कभी महसूस ही नहीं हुआ। कभी महसूस नहीं होता प्यार में? महसूस नहीं होता? नहीं। अच्छा, एक बहुत प्रिटी लेडी है हमारे सामने, मैं एक सॉन्ग सुनना चाहूँगी, अपने हस्बैंड को डेडिकेट कीजिए। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम, तुमको ये मालूम नहीं है। कितनी शॉपिंग कराई है हस्बैंड की? बहुत ज़्यादा। यही तो दिन होता है। बिल्कुल सही, यही तो दिन होता है जब हम लोग मतलब हस्बैंड को तंग भी कर सकते हैं, राइट? पैम्पर करते हैं वो हमें, तो हमें हमारा भी हक है पूरा। भूख प्यास नथिंग, कभी फील नेवर। और आई फील गुड, मेरे को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मेरे को। सो स्वीट। मतलब इस आज की कई लड़कियाँ जो होती हैं वो हार मान जाती हैं, ठीक है, बट 30 इयर्स ऑफ मैरिज एंड स्टिल शी इज आई थिंक कम्फर्टेबल रहती हूँ। शाम तक मुझे आई एंड एंजॉय करती हूँ मैं करवा चौथ के फास्ट। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। वाओ,
सो स्वीट कि मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, जिसके साथ शादी की है हमने उनके साथ सात जन्मों का हम लोग चाहते हैं कि सात जन्म हम लोग उनके साथ स्पेंड करें। मैम इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी, मैम यू आर लुकिंग सो प्रिटी। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं बहुत प्रिटी लगती हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्राइड। अभी तो काफ़ी देखते हैं पूछते हैं बात करते हैं। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो मच। कितने साल हो गए फास्ट रखते? 7 years नहीं लगता भाई, बिल्कुल नहीं लगता, सीरियसली नहीं लगता। और कोई सॉन्ग हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहेंगे? तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मधुश नजारा, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। बहुत प्रिटी सॉन्ग है, यहाँ पे बहुत ही कलर्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत प्रिटी लग रहे हैं सारे, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। कैसे, भूख नहीं लग रही? नहीं अभी तो नहीं लग रही। प्यास भी नहीं लग रही? नहीं नहीं, सीरियसली ओके है अभी तक तो। अच्छा, शॉपिंग अच्छी खासी कराई होगी? हाँ वो तो करानी थी। करानी थी, हक बनता है भाई, हक बनता हाँ, है बिल्कुल सही है, सारा दिन भूखा रहना तो हक हाँ। तो बनता है भाई हमारा तो। कोई प्रिटी सा सॉन्ग, अच्छा सा सॉन्ग? ओह आवाज़ बड़ी बेसुरी है। तो क्या हो गया मैम, आप ही बता दो, वही गा देती हूँ। अरे आप अपने हस्बैंड के लिए जो गुनगुनाती हैं वो कोई भी अच्छा सा सॉन्ग गुनगुना दीजिए। ठीक, तुम ही हो। ओह सो स्वीट, बस इतना ही आता। और मैम आप? हाय, टुडे हमारे यहाँ पे बहुत सारा सब ने मेकअप वगैरह किया है, सब हम लोग खुश हैं। और कोरोना के कारण थोड़ा प्रॉब्लम तो हुई है। जी जी जी, लेकिन ये है कि फेस्टिवल जो है, जो अगर कोई भी फेस्टिवल है इंजॉय करके नहीं मनाएंगे तो व्हाट इज़ द फन ऑफ दैट। ठीक है, हमने कोरोना पे जीत हासिल करनी है और हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और आप सभी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, मैं आपको दिखाना चाहूँगी बहुत प्यारे तरीके से नथनी पहन के, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ये नथ पहन के तैयार होते हैं। तो कैसे फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये ओकेज़न ऐसा है जिसमें कि हम अपने हस्बैंड के साथ फिर से वही मेमोरीज एक बार फिर से हमारी रिपीट होती है कि आज हमें लग रहा है जैसे हमारी वेडिंग है। तो भगवान के साथ ही प्रे करते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू है, सभी जो हैं वो कपल्स सक्सेसफुली इसी तरह सबके हाथ अभी जैसे गेट टुगेदर हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि बाकी सब कुछ भूल गए हैं और इसी तरह से मेलजोल बना रहे, भगवान से यही कामना करते हैं। बहुत जो है ब्राइड बिल्कुल लहंगा में तैयार है तो उनसे भी पूछते हैं कि भूख नहीं लग रही? मैम भूख नहीं लग रही? नहीं। प्यास भी नहीं लग रही? नो। तो शॉपिंग कितनी की है, कितना जेब जो है खाली करवाया हस्बैंड का? कोई शॉपिंग नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ है कि शॉपिंग नहीं की है। ये जो लहंगा डाला है ये शादी वाला लहंगा डाला हुआ है। ओह ग्रेट, मतलब शीज़ ये वो औरत हैं जिन्होंने इस करवा चौथ पे अपने हस्बैंड का कोई खर्चा नहीं कराया, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। शी इज़ ऑल्सो द प्रिटी वन, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। भूख प्यास कुछ नहीं लग रही होगी? नहीं, हाँ लग भी रही है, थोड़ी बहुत लग भी रही है, लेकिन अच्छी फीलिंग भी आ रही है। सारे बैठे हैं, फर्स्ट टाइम ये करवरा बटा रहे हैं तो होता है ना सासू माँ के साथ नहीं बटाते, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है बीच में कि हम भी ऐसे करें, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, शॉपिंग क्या क्या करवाई है? शॉपिंग मम्मा की तरफ से आता है ना, फर्स्ट करवा चौथ जो होता है जो मायके की तरफ से आता है तो उन्होंने सारा कुछ दिया है। नहीं, हस्बैंड भी देंगे, दोनों तरफ से मिलेगा, दोनों तरफ से। यही हस्बैंड बच जाए ऐसा हो नहीं सकता, हम बहुत भूखे प्यासे रहना। मैम कोई प्रिटी सा सॉन्ग हस्बैंड के लिए? मैं तेनू समझावा कि ओ तेरे बाजू लग दाना जी तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं
साल हो गए करवा चौथ का व्रत रखते? मेरे को 32। भूल गए आप? 32 सा 32 कंफर्म्ड। तो क्या इसमें महसूस करती हैं, सुबह उठना, सरगी खाना, कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा लगता है, नींद भी नहीं आती रात को, फटाफट सुबह उठ जाते हैं खाने के लिए। आप बताइए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं पहले तो, ठीक है। द ड्रेस लुक्स वेरी प्रिटी ऑन यू, बहुत प्रिटी लग रही हैं आप। आप मुझे बताइए, कितने साल हो गए व्रत रखते और क्या फील कर रही हैं आज के दिन? आज मेरे को 30 साल हो गए व्रत रखते और मैं थोड़ी अलग एक्साइटमेंट होती है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हर बार। और मेरे को ड्रेसेस का, बैंगल्स का, हर चीज़ का शौक है, मेहंदी का खास ज़्यादा शौक। ये बिल्कुल सही बात कही, मेहंदी बैंगल्स एक ऐसी गहना है मेहंदी, तो रश लगे होते हैं, टर्न नहीं आती है। प्रिटी लेडी अगैन, कितने साल हो गए फास्ट रखते? मेरे को 3rd ईयर है ये फास्ट रख रही हूँ। भूख प्यास कुछ नहीं लगती? सच बोलना, पहले 2 साल तो नहीं पता लगा, पर अभी लगी है बेसिकली। अभी लगी है, मतलब शादी पुरानी हो गई है तो अब लग रही है। हाँ। अच्छा, कोई अच्छा सा सॉन्ग हस्बैंड को डेडिकेट कर। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ग्रेट, 3 साल हो गए, थोड़ा सा भूख भी लग रही है लेकिन सांस अभी भी नहीं आती हस्बैंड के बिना, बहुत अच्छी बात है, मतलब वेरी गुड। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रिटी प्रिटी लेडीज़ हैं। मैम, सॉरी मैम, यू आर लुकिंग सो स्वीट, मतलब बहुत प्यारी लग रही हैं, पिंक, आई लव पिंक एक्चुअली। कितने साल हो गए व्रत रखते? 23 ईयर्स। और वैसे लग नहीं रहा। एट द सेम टाइम मैं जानना चाहूँगी फीलिंग। फीलिंग बहुत अच्छी है, सुबह के उठे हुए हैं, हार श्रृंगार करके बैठे हुए हैं, हर बार यही फीलिंग आती है हमें, मतलब हर करवा चौथ पे सेम फीलिंग होती है, न्यूली ब्राइड वाली, तैयार होना है, हस्बैंड का खर्चा कराना है, हस्बैंड का अपना सारा काम फिनिश करो, तैयार हो जाओ, हर बारी का क्रेज है। आपका क्रेज मैं जानना चाहूंगी। बहुत ज्यादा क्रेज है, हर साल होता है, हर साल होता है। सजने सवरने का हाँ? गाना प्रिटी सा गाना कौन सा बोलूंगा, यही बोलते मैं तन्नु समझावा की की चलो वेरी नाइस, एटलीस्ट यू ट्राइड अ लॉट। यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी एक बैठा है, इससे भी पूछते हैं कि मतलब पता है करवा चौथ का? नहीं। अरे मतलब नहीं पता है, एंड यू आर सिटिंग, और मैंने आपको देखा था, आप भी हेल्प कर रही थी मम्मा की। यस यू आर ऑल्सो, यू मतलब आपको भी पसंद है कि अच्छा लगता है सब कुछ, मेहंदी भी लगाई है, वेरी नाइस, पिंक अगैन, माय फेवरेट वन पिंक। मैम कितने साल हो गए करवा चौथ रखते हैं? 15 ईयर्स। कितनी एक्साइटमेंट होती है पति का खर्चा करवाने में? ये करवा चौथ ही होता है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है, और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, हस्बैंड को भी होती है और वाइफ को भी होती है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है कि एक करवा चौथ ही होता है। हाँ, हम पति की जेब ढीली ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, पर ये खुशी से होता है, ऐसे तो करना पड़ता है ना कुछ कि दे दो या ले के दो, ऐसे इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप मिल जाता भी होता है, मतलब बेनिफिट। पति को जितनी डिमांड करो वो पूरी करती हैं, चाहे 10 लो, चाहे 20 लो, चाहे 1,00,000 लो। मतलब एक व्रत रखने से हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ की लेडीज सारी की सारी बहुत प्रिटी लग रही हैं, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ करवा चौथ की आप सबको, ठीक है। जो आप अरदास करती हैं, जो प्रे करती हैं, भगवान उस प्रे को बहुत जल्दी माने, मैं यही विश करूंगी हमेशा। इन खूबसूरत औरतों के बीच में आज मैं खड़ी हूँ इस करवा चौथ के उपलक्ष पर, जिसमें ये सारी प्रे करती हैं कि उनके पतियों की उम्र लंबी हो और 7 जन्मों तक उन्हीं का साथ उनको मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन नितिन सैनी के साथ चांदप्रीत कौर, KRT न्यूज़ पठानकोट।